ये विंडमिल दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी देखो मैप में दिख रहा है थोड़ा ऐसा 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 कर्वी टाइप रोड्स एंड KL नंबर प्लेट मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स वी हैव एंटर्ड इनटू केरला। अच्छा, इस टाइगर रिजर्व का नाम है अनामलाई टाइगर रिजर्व। खत्म हो गया अपना टाइगर रिजर्व। इंग्लिश और हिंदी? कहाँ से आ रहे हो? बेंगलोर। बेंगलोर अभी तो कोयम्बटूर से, कल कोयम्बटूर रुके थे। हैंड स्कूल है उधर का? हाँ, हैंड स्कूल लिकर? नहीं 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 नहीं, वो सब नहीं है, और भी है, हमारे तीन दोस्त है। तो द थिंग इज, ये चेक पोस्ट है केरला एंटर करने का, लिक्विड वगैरह है कि नहीं वो चेक कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनको हमारे पास से नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, वेलकम टू केरला। या अरे इधर ना मेन केरला। कैन वी टेक पिक्चर फ्रॉम हियर? ओके थैंक यू। नहीं नहीं, हम लोग उधर जाके ऐसे बाइक रोक रखेंगे। उधर से पानी आ रहा है, मतलब इधर से जा रहे उधर तक दिख रहा है पानी, ऐसे 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 करके। द साउंड जो आ रहा है ना वो और भी अच्छा लग रहा है। दो तीन मिनट बाद ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ और ये कर्वी रोड्स, जिंदगी में और क्या ही चाहिए। तमिलनाडु का जो ये एनामलाई टाइगर रिजर्व क्रॉस करने के बाद अभी जाके 20-25 किलोमीटर हो चुका है, एंड फाइनली वी आर सीइंग सम रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। अच्छा लग रहा है। इधर थोड़ा रुक के सुसु ब्रेक ले लेते हैं ये पेट्रोल स्टेशन पे। या अच्छा जगह है। सुसु तो हो गया। ओफ, कितना अच्छा दिख रहा है ना ये सब बाइक्स। ओ जी ये हो बिहार का लाला। कैसा लग रहा है केरला रोड्स? अभी तक तो अच्छा वाला रोड्स नहीं मिला ना रे। मेघला तक तो मजा लग रहा है। अतुर बहुत अच्छा रोड है, यही से अच्छा रोड है, यही रोड उसको अच्छा लग गया, यही रोड उसको अच्छा लग गया। रोड टू हेवन कैसा? ठीक ठाक। अरे बाप रे, अभी थोड़ा रोड अच्छा होने लग गया। टाइगर रिजर्व क्रॉस करने के बाद जो रोड्स था वो उतना अच्छा नहीं था, बट ठीक ठाक था। एंड अभी भी नेटवर्क जोन के बाहर ही हूँ, पता नहीं कब नेटवर्क जोन के अंदर जाऊँगा। घर में कॉल भी करना है, आज सुबह से एक बार भी कॉल नहीं किया घर में, इसलिए। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना ये जगह, पूरा मतलब शेडो लग रहा है। रोड एक्चुअली मस्त है अभी। एंड फाइनली फ्रॉम हियर केरला का फेमस टी गार्डन स्टार्ट हो गया। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना बहुत टी गार्डन देखने में। एंड रोड तो अभी लाजवाब हो चुका है, एकदम कॉर्नरिंग वाला शिव शिव करके। ओहो, ये देखो टी गार्डन। एंड फॉर टी गार्डन हमारा स्टेट त्रिपुरा भी एक्चुअली बहुत ही फेमस है ऑल ओवर इंडिया में। जब भी देखता हूँ किसी एक पहाड़ की तरफ राइट या लेफ्ट, सामने से गाड़ी आ जाता है। हाँ, और बीच बीच में ये जो कलर वाला लीव्स है ना वो और भी अच्छा दिख रहा है, कलरफुल लीव्स।
जितना जा रहा हूँ ये तो और भी खूबसूरत होते ही जा रहा है। मस्त है, नज़र ही नहीं हट रहा है ये सब पहाड़ों से। रोड पे क्या फोकस करूँ मैं, इतना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स थ्रू माई वर्ड्स। सुकून, पहाड़ों में सुकून है। कितना रिकॉर्ड करूं यार, कितना रिकॉर्ड करूं, चार्ज भी ख़त्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में और मेमोरी कार्ड भी फुल हो जाएगा। लक्कोम वाटरफॉल्स, इराविकुलम नेशनल पार्क। अभी थोड़ा खाना है, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम ऑलमोस्ट 12:30 के आसपास है, 12:17 हो गया। बहुत ज़ोरों का भूख लगा है, कहीं से तो खा लेंगे एंड उसके बाद देखा जाएगा। हाय 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 हाय, फाइनली 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 वी हैव एंटर्ड इनटू नॉन। इधर से हमारा जो हॉस्टलर है, दैट मीन्स मुन्नार हॉस्टलर, वो अभी भी दिखा रहा है 23 किलोमीटर्स, मीन्स 40 मिनट्स लगेगा जाने में। एंड ETA 307, ठीक है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अच्छा ये ठीक ठाक है, ठंड तो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, बट गर्मी थोड़ा सा मुझे लग रहा है। एंड वेदर रिपोर्ट में देखा, जब इवनिंग हो जाएगा तब थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ट्रैफिक है यार, ये मुन्नार सिटी है ना, देखने में तो साइन बोर्ड पे वही था, मतलब शॉप के एक एक बोर्ड में जो था ना उस पे तो वही लिखा था मुन्नार। आई थिंक ये वाला नेशनल हाईवे 85, ओके NH 85 है ये। एंड इधर पॉलिटिशियन के हिसाब से CPIM एंड कांग्रेस, ये दो फ्लैग देखा है अभी, मोस्टली इन दोनों का ही चलता है इधर। रोड्स तो बहुत ही बढ़िया बना के रखा है यार, यूजुअली पहाड़ी एरिया पे ऐसा रोड एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। क्या ही मज़ा आ रहा है यार ये कॉर्नरिंग में, और रोड भी बहुत ही अच्छा बना के रखा है, NH 85 आई थिंक। ओहो फोटोग्राफी चल रहा है। यही तो है यार, ऐसे लोकेशन पे आके अगर आप फोटो खिंचवाओगे नहीं तो क्या ही खिंचवाया। द थिंग इज बाइक में पावर बहुत ही घट चुका है एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से, एंड पिकअप थोड़ा कम ले रहा है, बट मज़ा फुल 100% ले रहा है। पीछे अपूर्व बोल रहा था कि वो जिंदगी में ऐसा कॉर्नरिंग कभी नहीं किया जो आज कर रहा है। इट्स ट्रू ब्रो, इट्स ट्रू। क्या नजारा है यार, क्या नजारा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 3 साल पहले ये मेरा ड्रीम राइड था एंड आज मैं ड्रीम पे जी रहा हूं। इजंट इट ए ग्रेट थिंग फॉर मी? यस Absolutely it is. वो एक लेक दिख रहा है मुझे, ये पूरा पहाड़ के बीच में ये लेक ना बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड पानी का कलर भी मस्त होके रखा है, चारों तरफ पहाड़ और बीच में बस एक लेक।
सबके बाइक का पावर घट चुका है। शादनिक बोल रहा था कि इसको तो स्प्लेंडर लग रहा है, मुझे डोमिनर 250 उसको स्प्लेंडर जैसा फील हो रहा है, खींच ही रहा है बट जा नहीं रहा है। सेम फॉर मी, बट कोई ना, इधर से और 2.6 किलोमीटर है अभी भी हमारा हॉस्टलर या 7 मिनट्स इट विल टेक फॉर अस। देन उधर जाके थोड़ा रेस्ट वगैरह करके फिर हम लोग जाएंगे टॉप स्टेशन। और ये लेक जो है ना, ये पता नहीं वही लेक है कि नहीं, एक बोल रहा था वो स्पीड बोटिंग वगैरह होता है, अगर वो लेक होता है तो मज़ा आ जाएगा। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है मुझे। अच्छा, इधर से राइट लेना था ऊपर की तरफ। चलो रुकते हैं, सबके लिए, सबको प्रॉब्लम होगा पक्का, सब लोग चले जाएंगे। ये कैसा रोड है, हॉस्टेलर 1.5 किलोमीटर, ओके चलो। देखा, मैंने बोला था ना, ऐसा हॉस्टेलर या फिर जोस्टेल जो भी होता है, ये थोड़ा आउटस्कर्ट में बनाते हैं, पूरा मतलब जंगल के बीच में एक अच्छा सा व्यू देखने वाला ऐसे जगह पे बनाते हैं। 8 बेड का जो डॉर्म था ना, वो हमने बुक किया, या फिर 10 बेड, मैं भूल गया, मैं ही बुक किया था बट अभी भूल गया, और उसमें 1 बेड या फिर 3 बेड खाली रहेगा, उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई तो आके बैठ ही जाएगा। अभी सीधा, ये क्या रोड है रे, इतनी देर तक इतना अच्छा रोड मैं बाइक चला के, इससे ऐसा रोड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं एक्चुअली। ओह शिट, ऐसे रोड से जाना होगा भाई साहब, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया। ऐसे रोड पे थोड़ा पीछे मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके चलना ही सही रहता है। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर हॉस्टल आर। मजा आ गया, तुम तो भाई वो उससे जा रहे थे, सेडलिंग करके जा रहे थे, देखा नहीं कभी तुमको सेडलिंग करते हुए, फुल मजे ले लिया आज तुमने तो। वो बाकी किधर है, ठीक है ऊपर है क्या वो, कोई ना बाइक बोल ले, अभी जाके मिला मुझे, अभी जाके मिला मुझे अपना मालिक, अभी जाके मुझे मर्द मिला। ब्रिम्यूडास, राइट? यस, यू हैव 8 बेड्स। 8 बेड, 8 बेड्स, या यू गाइस आर इन वन रूम। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स। हैव यू डन चेक इन? नो, नॉट येट। ओके, सो यू हैव टू जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड एवरीवन एंड फिल द डिटेल्स। ओके, और सप्तर्षि बाबू क्या हाल चाल? चल रहा है यार, अभी अभी लंच किया, सोच रहे हैं सबसे भी देखिए। सो बहुत टाइम पहले हम लोग हॉस्टल पे पहुंच गए थे, अराउंड कितने बजे, हम 5 के आसपास पहुंच गए थे। अभी सनसेट हो रहा है, देखो इधर से दिख रहा है। अबे यार बहुत सही लग, दिख रहा है कि नहीं पता, अभी सनसेट के लिए हम लोग जाएंगे। एंड इधर हमने क्या खाया था, थाली खाया था, पेस्ट थाली खाया था जो कि 300 रुपीज, और बहुत ही ज़्यादा में बना दो यार 10 रुपए में। एक्चुअली में उतना अच्छा नहीं था, वो दाल बहुत ही घटिया था, उसमें नमक ही नहीं था, सब्जी भी बना बट भूख के मारे खा लिया। इधर से नहीं रे उधर से वो है हमारा, ये वाला नीचे वाला है? हाँ, अरे नहीं रे, अरे हाँ रे, चलो चलो चलो, उधर एक है, उधर एक है, इधर एक है, उधर एक है, मतलब बहुत सारा है। हमने जो लिया है वो है क्या रे, 10 बेड और 8 बेड, 8 बेड डॉर्म। ओ माय गॉड, इट्स सो डार्क ओवर हियर। चटनी को अच्छे बदलो। ओके, चटनी की स्लीपिंग,
Oh wow. ये राइडिंग जैस कितना चमक रहा है। ये चमक कहाँ पे जाना है? पेट्रोल 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 चाहिए। ये है हमारा डॉन। ये एक बेड, ये एक बेड, इधर एक बेड, उधर एक बेड, उधर एक बेड, उधर उधर, फिर ये बहुत सारा है। यहाँ पे कैमरा कट कर देते हैं बहुत पहले। ओह हो हो हो, सन कितना प्यारा लग रहा है। ये राइडिंग जैकेट्स मस्त लग रहा है, पूरा हाईलाइट कर रहा है। किसने किया? और ये हमारा वॉशरूम। उधर भी दो दो मिरर है, एक बड़ा एक छोटा। ये बताओ ये राइडिंग जैकेट ऐसे रखा किसने? इसे कौन रखा रे? मैं। कौन रखा इसको ऐसे राइडिंग जैकेट? मैं बोल रहा हूँ, मैं सच्ची में। वो लोग आके अभी का प्लान क्या है रे? अभी तो हम एक सनसेट व्यू पॉइंट में जाएंगे। कहाँ पे सनसेट व्यू पॉइंट का क्या था नाम? मणिपुरा। कितना दूर है इधर? 3.9। इसमें हम कितने जन फीट आ सकते हैं इस मिरर पे? इस मिरर पे पूरे रूम के 4 जन फीट आ सकते हैं। फैला हुआ मिरर है, बहुत फैला हुआ मिरर है। क्या कहीं जाना नहीं है क्या अभी? वैसे भी तो चढ़ सकते, मैं चढ़ा था एक बार। चलो थोड़ा, कितना अच्छा लग रहा है ये। वाओ किसे यही चीजें हमको देते हैं और इधर ऐसे रखा है। द थिंग इज व्हाट यू नो, जब हम लोग फर्स्ट टाइम उधर बेड पे सोए थे तो पता नहीं कुछ तो लग गया था, पूरा इजीनेस हो रहा था बॉडी में। हाँ, एक्सप्लोरिंग द होस्टलर। एक्सप्लोरिंग द होस्टलर। अच्छा ये ऊपर से भी देख सकते रे। ओ देखो, अरे थोड़ी देर पहले आता तो इधर से मतलब वो दिख जाता। मस्त है चिल करने के लिए। शुभम, टेक ऑफ योर हेलमेट, मे बी वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। मैंने क्या बोला? ये है व्यू। आधे रास्ते आ जाओ, ऊपर तक ना वो चढ़ नहीं पाएगी। डेंजरस, स्लिप कर ले रोल। तो स्टार्ट ही है। ऑल राइट गाइज, अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी ऑलमोस्ट हो चुका है 11:30 एंड कुछ देर पहले हमने ऊपर इधर से ये वाला है ना, ये डाइनिंग एरिया, इधर से हमने डिनर कर लिया है एंड वी आर अबाउट टू गो फॉर स्लीप। इधर हमारा अभ्रोचित, अपूर्व, अपदर्शी, शुभम वो खेल रहे टेबल टेनिस। कुछ ही घंटे बाद फिर से हमको उठना होगा जस्ट बिकॉज ऑफ हमको जाना है एक सनराइज पॉइंट पे। एंड आज का जो टॉप स्टेशन वाला डेस्टिनेशन हम लोग जो कवर करने वाले थे वो नहीं गया,
क्योंकि उधर हम लोग सनसेट के लिए जाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम घर में जब थे उसी टाइम सनसेट हो चुका था। आपको टाइमलेस दिखा दूंगा या फिर मैं भी दिखा दिया होगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। अभी ये हमारा स्टे है इधर से, तो मैं उधर जाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर सुबह बहुत जल्दी उठना है। चलो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर देना ताकि उन लोग भी देख पाए अपना मुन्नर वाला ये मस्त सा ब्लॉग। बाकी नेक्स्ट और भी हम लोग दो दिन है ये मुन्नार एंड ऊटी पे, ठीक है। अभी के लिए चलो बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप वेल, एंड हम भी सोने के लिए जाते हैं। बाय बाय।